नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की डिस्कस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे फर्स्ट न्यूज की तरफ। यहाँ पे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती जो आरपीएससी के द्वारा 2018 में निकाली गई थी, 9000 से अधिक पदों के लिए अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। इसी प्रकार से स्कूल व्याख्याता भर्ती एनटीटी सहित यहाँ पे भर्तियां जो हैं जिनकी यहाँ पे किसी प्रकार का विवाद भी नहीं है, कोर्ट में भी नहीं अटकी हुई, लेकिन फिर भी यहाँ पे लॉकडाउन के तहत ये भर्तियां स्थगित की गई हैं। कल से खुलेंगे सभी सरकारी विद्यालय, जिसका समय की अगर बात करें तो 7:30 से 1 बजे के बीच में रहने वाला, जिसमें सिर्फ शिक्षक ही यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो छात्र संघ उपाध्यक्ष कन्हैयालाल उपाध्याय की सराहनीय पहल। यहाँ पे विश्वविद्यालय परिसर के लिए बेड की 4 सैनिटाइजेशन मशीन, जिसमें नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो असिस्टेंट मेडिकल प्रोफेसर 11 अगस्त, इस प्रकार से यहाँ पे इनकी डेट वाइज आप डाल रखी है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे SCF का एग्जाम्स भी डाल रखा है। यहाँ पे बिना परीक्षा प्रमोट करने के लिए NSUI यहाँ पे प्रदर्शन करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को यहाँ पे फाइनल ईयर एग्जाम्स ना करके प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, कोरोना में अटकी यहाँ पे 18,000 पदों पर भर्तियाँ, 11,000 से अधिक नतीजे आ चुके हैं, पर इनकी नियुक्ति यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा नहीं दी गई। 2 महीने में दे सकते हैं इनकी नियुक्तियाँ। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो महोदय जी, प्रदेश के विशेष बच्चों के सरकारी व निजी स्कूलों को छोड़ने की चिंता का विषय यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें इस मामले को संज्ञान में जल्द से जल्द लिया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो RPSC के द्वारा करवाए जाने वाले लेक्चरर यानी कि व्याख्याता भर्ती 2018 का परिणाम यहाँ पे विषय राजस्थान का जारी हुआ। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे तो अपने पास में RAS अधिकारी हैं राकेश शर्मा, यहाँ पे कर बोर्ड के सदस्य बने, जो राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के द्वारा यहाँ पे नियुक्ति इनको मिली एक सदस्य एक मेंबर के रूप में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से यहाँ पे जुड़ी हुई बड़ी खबर, 10वीं राजस्थान का इतिहास और संस्कृति की पुस्तक से जुड़े बड़ी खबर। पुस्तक में एक पाठ के अंशों को लेकर यहाँ पे बोर्ड अध्यक्ष DP जारोली ने किया आदेश। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो RPSC से बड़ी खबर, SI के लिए यहाँ पे इंटरव्यू 8 जुलाई से शुरू होंगे। बाकी 4 भर्तियों की अगर बात करें तो इनके इंटरव्यू बाद में होंगे। यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो सरकारी कर्मियों की परिवर्तित राज्य बीमा के लाभ संबंधित दिशा निर्देश यहाँ पे जारी किए गए, वित्त विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। नए कोर्ट में अटकी है, नए विवाद है, नतीजे भी आ चुके हैं। सरकार चाहे तो 2 महीने में इनकी नियुक्ति दे सकती है। बात कर रहा हूँ 18,000 पदों की भर्तियों की जो RPSC के द्वारा निकाले गए हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग की 10वीं कक्षा के ऊपर यहाँ पे महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह जी मेवाड़ के राज परिवार व हल्दीकाठी के प्रति भ्रामक तथ्य छाप कर मरुधरा के इतिहास का अपमान किया। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्री जी ने एक बड़ा बयान दिया जो मीडिया से बातचीत करते हुए, अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर, जल्द ही जारी होगा लंबित व्याख्याता भर्ती परिणाम, इसी सत्र से चयनित होंगे अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति को लेके भी इन्होंने एक बड़ा फैसला यहाँ पे दिया। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे स्कूल व्याख्याता लेक्चरर 2018 के परिणाम आज यहाँ पे संभव हो सकते हैं। गोविंद सिंह टोडासरा ने बातचीत की RPSC के सेक्रेटरी से और यहाँ पे कहा किस प्रकार से यहाँ पे परिणाम यहाँ पे जारी हो सकते हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा निकाली जाने वाली स्टेनोग्राफर और लैब टेक्नीशियंस भर्ती को लेके है, जो यहाँ पे बेरोजगारों के लिए स्टेनोग्राफर के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्टेनो भर्ती के लिए फाइल यहाँ पे ARD में पहुँच चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो NCERT के द्वारा चलाए जाने वाले ऑनलाइन कोर्सेज कक्षा 1 से 12 तक के वीडियोस को लेके हैं, जिसके ऊपर आप लोग पढ़ सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। सब्जेक्ट्स को अलग अलग चैनल भी यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इंदिरा रसोई योजना पर सियासत यहाँ पे शुरू हो गई है, जिसमें बयानबाजी बड़ा तेज़ी से हो रहा है। UDS मंत्री श्री चंद कृपलानी का यहाँ पे बयान है कि सरकार कर रही है यहाँ पे समझौता। 6 महीनों से पैटर्न के फेर में अटकी हुई है रीट भर्ती, इधर 11 लाख लोगों को रोजगार किस प्रकार से यहाँ पे दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में इनके ना तो पैटर्न जारी हुआ, ना उनके एग्जामिनेशन डेट और ना इनके पदों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी यहाँ पे करने को आई खबर। माध्यमिक शिक्षक बोर्ड की अगर बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पे नवीन ग्राम पंचायतों के स्कूलों की मांगी सूचना। शिक्षा निदेशक सौरव स्वामी ने जारी किए आदेश, सभी DO से मांगी संचालित स्कूलों की सूचना। नेक्स्ट बात करें तो MP बोर्ड अब जुलाई में आएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट्स, पहली बार दोनों परिणाम यहाँ पे अलग अलग घोषित किए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से अपन देखें तो यहाँ पे एक वरिष्ठ अध्यापक की नियुक्ति को लेकर एक बड़ी परेशानी अभ्यर्थियों के सामने आई है। हालांकि इसके सिर्फ नियुक्ति आदेश यहाँ पे जारी करना बाकी है और ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से भी इनको नियुक्ति यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, वोकेशनल एजुकेशन के वेतन ना मिलने तथा नौकरी से भी इनको हटाए जाने के आदेश यहाँ पे जारी किए गए थे, लेकिन हाल ही में ना तो इनका वेतन मिला, ना इनको यहाँ पे किसी प्रकार का रेगुलर यहाँ पे किया गया यानी परमानेंट किया गया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा बजट चर्चा के दौरान यहाँ पे की गई घोषणा पर अमल करते हुए आज सरकार ने संविदा पर लगाए पैरा टीचर्स की सैलरी में 15% की बढ़ोतरी यहाँ पे की। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर यहाँ पे जोरों पे यहाँ पे छात्र नेता सौरभ बाकर ने कुलपति को लिखा पत्र, खून से पत्र ये लिखा गया। निर्धारित समय सीमा पर यहाँ पे लैब टेक्नीशियन सहायक रेडियोग्राफर भर्ती यहाँ पे की जाए। बेरोजगार लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर ने उठाई मांग। चिकित्सा मंत्री को भी यहाँ पे ज्ञापन दिया और सही और तय समय पे ये भर्ती होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज की बात करें, शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि व्याख्याता परीक्षा का 1-2 दिन में रिजल्ट यहाँ पे घोषित कर दिया जाएगा। जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर आरपीएससी के द्वारा 5000 पदों के ऊपर निकाली गई थी 2018 में। अध्यापकों के अवकाश स्वीकृति पर यहाँ पे रोक लगा दी है। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान यहाँ पे नहीं मिलेगा किसी प्रकार का सेवानिवृत्त। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द यहाँ पे जारी होगा। जो 5000 पदों के लिए यहाँ पे भर्ती संपन्न करवाई गई थी 2018, जो आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यहाँ पे निकाली गई थी। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों को बड़ी राहत। यहाँ पे हार्ड कॉपी से छात्रों को मिली निजात, अब नहीं करवानी होगी हार्ड कॉपी यहाँ पे जमा। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो यहाँ पे आप लोग मेन स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तकनीकी शिक्षा विभाग की गवर्निंग बोर्ड की बैठक यहाँ पे बिठाई गई, जिसमें सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में तकनीकी शिक्षा भवन में यहाँ पे बैठक की गई, जिसमें तकनीकी शिक्षा सचिव सुची शर्मा, संयुक्त शासन सचिव अनिल अग्रवाल भी यहाँ पे उपस्थित रहे। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेम यहाँ पे न्यूज है जो पब्लिक हुई है ट्विटर के माध्यम से। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को यहाँ पे गेहूँ बांटे गए वहाँ पे कीड़े पाए गए। एक बड़ा यहाँ पे मुद्दा अभ्यर्थियों के द्वारा उठाया गया, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 50 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर छठी कक्षा के बच्चों के लिए यहाँ पे एक गुमनाम पत्र लिखा गया, जिसके अंदर विधिक सेवा प्राधिकरण ने यहाँ पे इसको संज्ञान में लिया। राज्य के बाल अधिकार विभाग के द्वारा यहाँ पे जारी किए एक नए आदेश। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो स्नातक प्रथम द्वितीय और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया। गत वर्ष सेमेस्टर के अंकों के आधार पर यहाँ पे इनके मूल्यांकन किए गए। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे अगर बात करें तो ये एमपी की बात करूँ, जिसमें अभ्यर्थियों को एक बड़ा निर्णय उनको प्रमोट यहाँ पे उनके पिछले अंकों से किया गया। पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर, यहाँ पे कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को करना होगा और इंतजार, अगस्त माह में होगी अभी ये परीक्षा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती को लेके यहाँ पे चयनित 9322 पदों पर निकाली गई थी भर्ती, हाल ही में इनके नियुक्ति को लेके आदेश का इंतजार। नेक्स्ट, आरपीएससी की प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग में 2018 समेत अटकी बड़ी भर्तियां यहाँ पे इंटरव्यू जुलाई के अंत और अगस्त से शुरू हो सकते हैं। आयोग निकट भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी इंटरव्यू और का कैलेंडर यहाँ पे जारी करने में जुटा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो पुलिस दूर संचार की वरिष्ठता सूची यहाँ पे जारी किया। निदेशक अधीक्षक एसपी के पदों की सूची यहाँ पे अस्थायी रूप से मांगी गई, आपत्तियां भी यहाँ पे जताई गई। अब जारी होगी 1 अप्रैल 2020 को अंतिम वरिष्ठता की सूची। पीजी मेडिकल परीक्षा में पहले राउंड की काउंसलिंग का मामला को लेकर यहाँ पे गरमाया। राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की थी अपील। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ यहाँ पे दायर की गई थी अपील, जिसमें पीजी मेडिकल कॉलेज से लेके मामला है। अभियांत्रिक महाविद्यालय के को लेकर यहाँ पे बैठक की गई, जिसके अंदर से तकनीकी शिक्षा मंत्री जो है वो यहाँ पे बैठक ली। बीकानेर और झालावाड़ की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक भी बिठाई गई। अब शिक्षकों को मिलेगा करियर एडवांसमेंट का यहाँ पे अचीवमेंट, जिसमें 6.50 करोड़ से होगी कंप्यूटर लैब का यहाँ पे निर्माण। तो ये थी आज की डिस्कस जो मैंने इस वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो हम आपके सामने लाते रहते हैं, तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।